हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप भाई हमेशा की तरह आप लोग गर्दा उड़ा रहे हो, और गर्दा उड़ाने के लिए हमारे पास आज जो फोन है ये पीला पीला आपको पता चल ही गया होगा, पोको X6 प्रो। काफी दिनों पहले हम लोगों ने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था करीब 29,000 में, 512 GB। तो भाई ये फोन जो है प्राइस वाइज तो काफी अच्छा है, प्रोसेसर इसका काफी अच्छा है। तो आज इसको टेस्ट करने वाले हैं कि कैमरा के मामले में ये फोन जो है कितना गर्दा उड़ाता है। वैसे तो भाई ये गेमिंग फोन है, लेकिन हम लोग बस इसलिए रिव्यू कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि भाई इसका कैमरा भी कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई उनको गेमिंग फोन के साथ अच्छा कैमरा मिल जाए। तो इसका जो हम लोग इसी वजह से टेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि भाई हम लोग को सपोर्ट करना है, क्योंकि हम लोगों ने ये फोन परचेस करके रिव्यू बनाया है। तो सपोर्ट कैसे करना है? सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करके। डिस्प्ले का जहां तक बात करें, क्योंकि भाई कैमरा यूज करने के लिए आपको आउटडोर में डिस्प्ले अच्छा चाहिए होता है, और ये डिस्प्ले जो है काफी अच्छा है। मतलब जितना भी हम लोगों ने टेस्ट किया था बहुत ही तगड़ा निकल के आता है इससे रिजल्ट वगैरह सारा कुछ। तो हम ये चीज तो बोलेंगे कि अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए और नॉर्मल यूज करने के लिए अगर डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो ये फोन बहुत अच्छा है। 1800 nits का पीक ब्राइटनेस है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, आउटडोर विजिबिलिटी बहुत तगड़ा वाला है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, साथ में बॉक्स में स्क्रीन गार्ड लगा हुआ आता है। तो ये सब चीज डेफिनेटली बोलेंगे कि ये सब चीज हमको काफी पसंद आया। वैसे एक दो चीज हमको पसंद नहीं आया, जो पसंद आया वो पहले बता दें कि एंड्रॉइड 14 है इसमें, हाइपर ओएस मिल जाता है MIUI का, काफी स्मूथ काम करता है। लेकिन भाई इसमें ब्लोटवेयर्स देख सकते हो आप, भरा हुआ है। आप भले ही अनइंस्टॉल कर सकते हो, कुछ कुछ आपका अनइंस्टॉल नहीं होगा, डिसेबल भी नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज जो है ठीक है, फोन को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए कंपनी करती है, तो ये सब चीज स्लो करता है। तो बेटर है कि आप इसको डिसेबल या अनइंस्टॉल कर दो। और बैटरी इस फोन का काफी बढ़िया है भाई, हमने जितना भी यूज किया है तो एक ही चीज बोल सकते हैं कि आपको आराम से 5-6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, 5-6 mAh का बैटरी, और बॉक्स में 67W का चार्जर भी आपको मिल जाता है कवर वगैरह सब कुछ के साथ में। तो अब बात करते हैं भाई कैमरा का। कैमरा जो है इसमें मिलता है ओमनी विजन का सेंसर है, ये 64 MP का f1.7 अपर्चर वाला OIS के साथ, और ये सेंसर जो है छोटा है, बड़ा सेंसर नहीं है, बट इसका फोटोज आपको दिखाते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है इससे, क्योंकि भाई इसका जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा काम करता है सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर। दिया है HDR को ऑफ, और इसका शटर लैग देखते हैं अब भाई साहब। ये फोन जो है मतलब अच्छे प्रोसेसर की वजह से ये परफॉर्मेंस दे पा रहा है, बहुत ही तगड़ा भाई, एकदम फास्ट। 86 फोटोज क्लिक कर लिया इसने इतना जल्दी, तो डेफिनेटली इसका शटर लैग जो है बहुत कम है। तो अगर आप फोटोज देखोगे तो ये चीज अच्छा लगा कि कलर्स नेचुरल है, थोड़ा सा वॉश्ड आउट फोटोज फील होता है, खासकर आप HDR ऑन करोगे तो। नॉर्मल सिचुएशन में HDR आप मत ऑन करना, नॉर्मल फोटोज वगैरह लेना, HDR जब जरूरत हो तभी आप ऑन करो, ज्यादा बेहतर आता, नहीं तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फोटोज जो है ठीक ठाक फोटोज है, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से और बेहतर होता, बट गेमिंग फोन है। यहाँ पे देखो आपका मेरे सर के पास कैसा HDR प्रोसेसिंग किया है, और ये HDR ऑन किया हुआ फोटो है, तब कुछ ऐसा प्रोसेसिंग वगैरह सारा कुछ है, तो अच्छा है यहाँ पे। लेकिन ये ऑफ करने के बाद कुछ इस तरीके का फोटो आता है, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि अगेंस्ट द लाइट थोड़ा HDR ऑन कर लेना। लो लाइट का फोटोज बढ़िया है, बड़ा सेंसर नहीं है, लेकिन OIS है तो उसका एडवांटेज थोड़ा सा मिल जाता है, शार्प और डिटेल जो है वो ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। फ्लैश के साथ 2-4 फोटो हम लोगों ने लिया, एक फोटो में तो अच्छा प्रोसेसिंग किया, उसके बाद जब हम लोग इस जगह पे फोटोज लेने गए तो हर बार फोटोज में कुछ ऐसा ही रिजल्ट मिला, तो यहाँ पे थोड़ा सा जरूरत है प्रोसेसिंग का। इसमें वही सेम 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है जो कि आपको Redmi 13 Pro Plus में मिलता था, वही सेम कैमरा है, बस सॉफ्टवेयर के थ्रू और हार्डवेयर के थ्रू कितना डिफरेंस आया है उसका फोटोज देख के पता चलेगा। तो अगर यहाँ पे फोटोज वगैरह जो देखोगे आप, तो नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे ठीक ठाक ही फोटोज लेता है, जो 8 MP वाला अल्ट्रा वाइड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ वैसा ही है, हाई क्वालिटी का नहीं मिलेगा। खासकर आप अगर अगेंस्ट द लाइट फोटोज ले रहे हो तो वहां पे बहुत ही गंदा शैडोज वाले पार्ट में प्रोसेसिंग करता है, कॉर्नर पे आपको एक तो ऐसा नॉइज फील होगा कि भाई आप बता नहीं सकते हैं। ऐसा फोटोज वगैरह क्लिक करो, नॉर्मल जो यूज के लिए है, सोशल मीडिया पे डालना है, काम चलाओ फोटोज वगैरह है, तो ही आपका मतलब काम चलाओ फोटोज आ पाएगा, उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप। ह्यूमन सब्जेक्ट में भी ठीक ठाक है कि आपका फेस जो है बहुत ज्यादा डार्क नहीं करता है, वही है कि आपको मस्त मिल जाएगा फोटोज। लो लाइट में भी वही है सिचुएशन है, नाइट मोड सब कुछ दिया हुआ है, तो काम चलाओ ही फोटोज मिलता है, ये नहीं कि आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन बेटर है कि आप अवॉइड करो, डे टाइम में ही फोटोज लो ब्राइट सनलाइट के साथ में। तो अगर जूम का बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10x तक का मैक्सिमम जूम लेवल मिल जाता है, 64 MP कैमरा है तो, और OIS है तो काफ़ी स्टेबल भी फील होता है। और क्वालिटी का बात करेंगे तो यहाँ पे 5x पे हो या फिर 10x पे हो, हमको अच्छा शार्प और डिटेल फोटो लगा। आप 10x पे भी टेक्स्ट वगैरह आराम से पढ़ सकते हो, कोई भी इशू इस चीज़ का हमको कहीं फील नहीं हुआ। बेटर है कि आप 5x तक ही जूम करो अगर आपको शॉट्स यूज़ करना है कहीं पे, और 10x तब आप जा सकते हो जब आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह पढ़ना है या फिर बस सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह अपलोड करना है। तो भाई एक और इसमें कैमरा दिया गया है जो कि पीछे चार यहाँ पे कैमरा खाने के लिए शो ऑफ करने के लिए है, वो है 2 MP का मैक्रो लेंस, और ये लेंस जो है बस काम चलाओ फोटोज ले सकता है, कुछ ज्यादा उसमें आपको मिलेगा नहीं। अगर पोर्ट्रेट का क्वालिटी का बात करेंगे तो ठीक ठाक पोर्ट्रेट निकाल लेता है, नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप फोटोज वगैरह क्लिक करते हो HDR बढ़िया काम करता है, यहाँ पे भी आपको HDR प्रोसेसिंग बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा फील हुआ कि एज सिलेक्शन जो है और बेहतर हो सकता था, थोड़ा सा स्ट्रगल वाला सिचुएशन में ऐसा ज्यादा फील होता है, जैसे
की जगह पे देखो मेरे सारे फिंगर्स को ये इसने उड़ा दिया है, तो थोड़ा ये सब चीज था। और लो लाइट में भी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करता है, गाड़ी कभी कहीं फोकस में है कहीं नहीं है, तो ये सब चीज थोड़ा सा लगा। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन का जरूरत है, तो आप बहुत अच्छा क्वालिटी का तो नहीं ले सकते, बस काम चलाओ यहाँ भी मिलेगा। तो अगर भाई फ्रंट कैमरा का बात करें तो इस जगह मिलता है 16 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर वाला फ्रंट कैमरा। तो इसका फोटोज देखते हैं साइड बाय साइड की फ्रंट में नॉर्मल मोड और पोर्ट्रेट मोड में कैसा फोटोज आता है। तो अगर फ्रंट के फोटोज का बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि रेडिश फोटो कितना ज्यादा है, थोड़ा सा वार्म काफी ज्यादा कर देता है यहाँ पे। थोड़ा सा एज सिलेक्शन वगैरह ठीक ठाक है, पोर्ट्रेट मोड में काम चलाओ यहाँ पे भी बोलेंगे। बहुत बढ़िया आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा कि आप जिससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ। लो लाइट में हर जगह आपको नॉइज देखने को मिलने वाला है, कितना भी कुछ हो जाए। यह है कि मल्टीपल लोगों को फोकस में ले लेता है और फ्लैश के साथ लिया हुआ फोटो भी है जो कुछ वैसा ही रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे ये भी कैमरा उतना बढ़िया नहीं है। तो अगर आप कैमरा ओपन करते हो तो नॉर्मली आपको अल्ट्रा वाइड, 1x और 2x का सपोर्ट है, ऊपर में HDR ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, और HDR ऑन ऑफ करना बेस्ट है अगर आप अगेंस्ट द लाइट फोटोज वगैरह लेते हो। वहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे मैक्रो ऑन ऑफ करने का, फ्लैश ऑन ऑफ करने का और टाइमर वगैरह ऑन ऑफ करने का ये सब चीज का ऑप्शन है, वाटरमार्क वगैरह का ऑप्शन है। वीडियो सेटिंग में भी आपको ऊपर में HDR ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये अच्छा चीज है। उसके बाद डॉक्यूमेंट मोड है, प्रो मोड है। प्रो मोड में आप अच्छा है कि अल्ट्रा वाइड पे भी शूट कर सकते हो, हमको रॉ का सपोर्ट कहीं पे दिखा नहीं। पोर्ट्रेट मोड भी आपको मिल जाएगा ऊपर HDR के साथ में। नाइट मोड जो है अल्ट्रा वाइड, 1x दोनों पे मिल जाएगा। मोर सेटिंग्स में आप आते हो तो पैनोरमा 64 मेगापिक्सल मोड, स्लो मोशन जो कि 960 fps तक सपोर्ट करता है, इवन टाइमलेस भी आप ले सकते हो 4K में। अल्ट्रा वाइड में आपको 4K नहीं मिलता, लेकिन प्राइमरी कैमरा में आपको अल्ट्रा वाइड वगैरह सब कुछ का सपोर्ट मिल जाता है। लॉन्ग एक्सपोजर मोड भी आपको मिल जाएगा जिसमें आप काफी तरीके का लो लाइट में लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स वगैरह ले सकते हो, और इसके अलावा एक AI वाटरमार्क मोड भी है। तो अगर 4K वीडियो का बात करेंगे तो ये 60 fps का सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे 30 fps है, लेकिन यहाँ पे हमको क्वालिटी स्टेबलाइजेशन में बढ़िया लगा। लेकिन क्वालिटी में आप देखोगे थोड़ा सा एक फोकस शिफ्ट टाइप का फील हो रहा है, जूम इन जूम आउट ऐसा कुछ फील होता है, तो ये थोड़ा सा हमको यहाँ पे लगा कि बेटर हो सकता था। HDR आप ऑन ऑफ करके देख सकते हो डिफरेंस जो है कितना ज्यादा मेजर डिफरेंस पड़ता है। तो अगेंस्ट द लाइट अगर आपको शॉट लेना है तो आप HDR ऑन कर लो, ये 4K तक सपोर्ट करता है आपको, ये अच्छा चीज था। 1080p 60 fps अगर आप वीडियोस लेते हो तो यहाँ तक आपको कैमरा स्विचिंग नहीं मिलेगा, लेकिन क्वालिटी कुछ उसी तरीके का है, स्टेबलाइजेशन भी अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है, तो ये सब चीज अच्छा है। और अगर आप अल्ट्रा वाइड लेते हो तो यहाँ पे EIS का सपोर्ट है, तो EIS में आप देख सकते हो कि स्टेबलाइजेशन बढ़िया है, क्वालिटी ठीक ठाक ही है, जो आप 8 मेगापिक्सल से एक्सपेक्ट करते हो कुछ वैसा ही। लो लाइट में अगर आप वीडियोस लेते हो तो OIS की वजह से जिटर थोड़ा सा कम फील होता है, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही क्वालिटी है जैसा डे टाइम में आपको मिल जाता है। और अगर आप कैमरा स्विच करते हो तो थोड़ा सा आपको जर्क के साथ कैमरा स्विच होता है। यस, ये 1080p 30 fps पे कैमरा स्विच करने का ऑप्शन देता है जो कि Redmi में आपको नहीं मिलता था 13 Pro Plus में, तो ये एक चीज अच्छा लगा। लेकिन बेटर है कि आप लो लाइट में नहीं, डे टाइम में ही अल्ट्रा वाइड से शूट करो। तो ये वीडियो आप देख रहे हो फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे। भाई यहाँ पे HDR हम ऑन किए हैं मैनुअली, क्योंकि भाई ये ऑटोमेटिक जो है HDR मोड है वो बाय डिफॉल्ट ऑफ आता है, ऑन किए हैं मैनुअली। और ये आप वीडियो देख रहे हो 1080p 30 fps पे HDR ऑन करने के बाद, और ऐसा वीडियो मिलने वाला है आपको HDR ऑफ करने के बाद। तो भाई डिफरेंस आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि क्यों भाई HDR ऑन करना है। अगर आप ऐसा वीडियो लेते हो तो आपको ठीक है, लेकिन अगेंस्ट द लाइट अगर आप वीडियो लेते हो तो आपको HDR ऑन करना पड़ेगा, तो थोड़ा बेटर प्रोसेसिंग होगा। ये 1080p 60 fps पे है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको वीडियो मिलने वाला है। फ्रंट कैमरा से कोई 4K सपोर्ट नहीं है, सिर्फ 1080p 60 fps तक का सपोर्ट है। फेस को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अननेचुरल कलर्स थोड़ा सा दिखेगा, Xiaomi का ऑपरेटिंग है तो वही सारा कुछ उसी तरीके का मिलता है पोको में भी। तो ऐसा था ये फ्रंट कैमरा। तो हमको एक चीज अच्छा लगा कि यहाँ पे आप 1080p 960 fps तक का स्लो मोशन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी ऑडियो के साथ में, तो ये काफी बढ़िया चीज है और क्वालिटी ठीक है। और अगर आप 240 fps भी लेते हो तो वहां पे भी आपको अच्छा खासा क्वालिटी मतलब मिल जाता है। तो ये फोन जो है हायर प्रोसेसर के वजह से थोड़ा सा अच्छा आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज भी दे देता है। तो भाई एंड लाइन में एक चीज तो भाई बोल सकते हैं कि फोन काफी अच्छा है, ऐसे कुछ कुछ चीजों में डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। गेमिंग वगैरह के लिए वन ऑफ द बेस्ट फोन है इस प्राइस सेगमेंट का, लेकिन कैमरा उस सेगमेंट में अगर आप जाओगे तो और भी काफी सारे फोन है। लेकिन अगर गेमिंग और कैमरा सब कुछ मिला के देखा जाए, वीडियोस वगैरह भी सब कुछ देखा जाए, तो ये ठीक ठाक रिजल्ट निकाल के दे देता है। हम तो भाई ये बोलेंगे कि Redmi 13 Pro Plus से कहीं ना कहीं ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो भाई ये फोन जो है फोन ओवरऑल गर्दा उड़ाता है, आप भी गर्दा उड़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।